नए नवेले मंत्री बने मुकेश सहनी अब विवादों में आ गए हैं। विवादों में हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मंत्री जी खुद एक सरकारी कार्यक्रम में खुद न जा करके अपने परिवार के लोग को भेज रहे हैं, उनके जो बड़े भाई हैं उनको जो है अपने जगह सरकारी कार्यक्रम में भेज रहे हैं। इस पे अब वो विवादों में आ गए हैं। विवादों में इसलिए आ गए हैं क्योंकि अब विपक्ष जो है इस पे काफ़ी हमलावर है। विपक्ष लगातार जो है उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और इससे पहले भी मुख्यमंत्री भी इस मामले पर संज्ञान लिया है और इससे पहले मुख्यमंत्री से भी सवाल किया गया तो उनका साफ कहना है कि इस मामले में उनको जानकारी नहीं थी, लेकिन अब जानकारी हो गई है तो इस पर संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन विपक्ष जो है लगातार इस पर हमलावर है और लगातार जो है मुकेश सहनी का इस्तीफा मांग रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के MLC और राजद के MLC, उनके बातों को आप सुनिए। देखिए ये शासन की सरकार हमने आपको कहते हैं और सरकारी योजना का उद्घाटन सरकार के स्काउट सरकार के सभी अधिकारियों की उपस्थिति में अगर मंत्री का भाई करने लगे तो समझिए ये सुशासन नहीं है। ये कोई व्यक्तिगत संपत्ति थोड़ी है कि हमने जाएंगे तो मेरा भाई मेरा बेटा चला जाएगा। ये बहुत बड़ी आपराधिक मामला है लापरवाही का सरकारी कार्यों के प्रति। बिल्कुल बिल्कुल उस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो अधिकारियों ने उनसे उद्घाटन करवाया है वो भी उतने ही दोषी हैं। सवाल है सरकारी योजना का उद्घाटन मंत्री के बदले उनके भाई परिवार या भाई कैसे करे? कोई अधिकारी कर सकते हैं, कोई दूसरे मंत्री कर सकते हैं, लेकिन परिवार का आदमी कैसे करेगा भाई? ये तो भाई भतीजा भाई भतीजावाद की प्रकाष्ठा है। मैं समझता हूँ इस तरह की घटनाएं अगर हो रही है नीतीश जी के शासन में तो मैं ये सरकार के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है। क्या डिमांड है सर? मंत्री को हटाया जाए, मंत्री को मंत्री मुकेश सहनी जाके अपने भाई को भेज दिया, क्या लगता है सरकारी का दुरुपयोग? देखिए यही तो लगातार हम लोग सदन में चिल्ला रहे हैं कैसी है आपके सुशासन की सरकार भाई, कि आज मंत्री जी के भाई गए, कल उनकी पत्नी जाएंगी सरकारी कार्यक्रम में, फिर उनके पिताजी जाएंगे और सदन में जो हम लोग सवाल जवाब करते हैं सरकार के तरफ से जवाब देने के लिए उनके भाई आएंगे उनकी पत्नी आएंगी, तो इससे तो बड़ा सुशासन का विभत्स रूप नहीं हो सकता है और सारे जगह इसकी आलोचना हो रही है। और नीतीश जी में अगर तनिक भी नैतिकता है तो अविलंब ऐसे मंत्री से उनको बर्खास्त कर देना चाहिए मंत्रिमंडल से। अगर बर्खास्त नहीं करते हैं तो हम लोग यही समझेंगे कि सब उनके छत्र छाया में चल रहा है। पद की गरिमा का कहीं तो दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं मुकेश सहनी? अरे इससे बड़ा और दुरुपयोग क्या हो सकता है, जो सरकारी वाहन से किसी सरकारी कार्यक्रम में जाए और वहां पर वहां की पदाधिकारी वो खुद बोल रही हैं कि नहीं मंत्री जी के बदले इनके भाई भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं सरकारी रूप में, तो इससे भी बड़ा कोई यहां पर इनके शासन के फेलियर का कोई आपको हम एग्जांपल दें क्या? ऐसा कोई नियम सुनी है क्या? जानकारी नहीं थी और ऐसे हो गया? अगर जानकारी नहीं था तो उनको आज ही मंत्रिमंडल से उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। चुनाव हारने के बाद भी उन्हें मंत्री बनाया गया? अरे सब यही हो रहा है बिहार में, कोई कुछ नहीं। अब सोचिए पूरे भारत का ये उदाहरण देखने को मिलेगा कि 75 विधायक वाला अपोजिशन में बैठा हुआ है, नेता प्रतिपक्ष हो और जिसको सबसे कम विधायक आया हुआ हो वो सदन का नेता हो, इससे भी बड़ा कोई आपको इस एग्जांपल दे सकते हैं क्या इस प्रजातंत्र का? अरे विपक्ष स्थगन प्रस्ताव लाएगा, आज सूचना पर हमने सभापति महोदय को सारा चीज की जानकारी दी, पूरा इसमें हंगामा हुआ, हम लोग विधान परिषद चलने नहीं दे रहे थे, सभापति महोदय के आग्रह पर हम लोगों ने सदन को चलने दिया, कल स्थगन प्रस्ताव लाएंगे नहीं बात, तो जब तक इनको बर्खास्त नहीं किया जाएगा तब तक जो भी प्रजातांत्रिक प्रणाली के तरह होगा जो भी कार्य करना होगा हम लोग करेंगे। तो आपने सुना प्रेमचंद मिश्रा और सुनील सिंह के बातों को जो कह रहे हैं कि मुकेश सहनी का जल्द से जल्द नीतीश सरकार जो है इस्तीफा कराए और मुकेश सहनी को जल्द से जल्द नीतीश कैबिनेट से बाहर किया जाए, क्योंकि इससे पहले भी लगातार जो है परिवारवाद का आरोप विपक्ष पे लगता था लेकिन अब जो है वही मामला जो है सरकार के सत्ता पक्ष के जो मंत्री हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि अपने जगह वो अपने सरकारी कार्यक्रम में सरकारी लाभ लश्कर के साथ एस्कॉर्ट के साथ सरकारी गाड़ी के साथ जो है मंत्री जी के भाई जाते हैं सरकारी कार्यक्रम में, तो इसको लेकर के विपक्ष काफ़ी हमलावर है। लेकिन देखना ये होगा कि अब क्या आगे इस मामले पर संज्ञान लेते हैं सरकार, नीतीश कुमार क्या इस मामले पर कदम उठाती है ये देखने वाली बात होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद।